हेलो एवरीवन, दिस इज निलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा लेते। बात कर लेते हैं आपके सीटेट के जो अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अपेयरिंग स्टूडेंट्स या फिर कह लीजिए जिन बच्चों ने अभी जो सीटेट आपका अगस्त में हुआ है वो एग्जाम दिया है, वो लोग यहाँ पर एलिजिबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो देखिए, अगर वैकेंसी की, जैसे कोई भी वैकेंसी जो होती है उसका फॉर्म फिलअप करने का एक टाइम पीरियड होता है, लगभग लगभग 1 महीने का टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड के बीच में या फिर लास्ट तक भी आपका सीटेट का रिजल्ट अनाउंस हो जाता है और आप बीएड फाइनल ईयर के, मतलब बीएड आपका कंप्लीट है तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, सीटेट में वो बच्चे भी इस टाइम पे फॉर्म दिया होगा जो फर्स्ट ईयर में होंगे, सेकेंड ईयर में होंगे, उनके लिए नहीं। जो बच्चे फाइनल ईयर का, उनका बीएड का भी रिजल्ट आ चुका हो और जिन बच्चों का आपका सीटेट का रिजल्ट अनाउंस हो जाए और आप क्वालिफाई हो जाओ, तो आप एलिजिबल हो जाओगे डीएसएसपी की वैकेंसी में जो अब आएंगी। ठीक है, होप सो आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो। तो इसका भी याद रखिएगा, अब जो बच्चे जिन्होंने अपना सीटेट का एग्जाम से बिल्कुल फारिग हो चुके हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है डीएसएसबी की तैयारी करें। एक आपका बेस बन चुका है, थोड़ा सा तैयारी के साथ अगर आप चीजों को कंटिन्यू करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत बेहतर चीजें होंगी। बाकी कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट क्लियर कर पाऊं, लेकिन अगर कुछ रह जाएगा तो आप कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हाँ पढ़ते रहिए, ये ध्यान मत दीजिए कि कब वैकेंसी आ रही है कब नहीं, आप रेडी हो या नहीं रेडी हो ये मैटर करता है। किसी भी वैकेंसी के लिए आपका आपका खुद कितने रेडी हो ये ज्यादा जरूरी है एज कंपेरिजन टू वैकेंसी कितना लेट आती है। ठीक है, बाकी अगर मेरे से जो चीजें हो पाती हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।